मणिपुर जल रहा है। ये सीन्स यूक्रेन या अफ्रीका के नहीं, जहां फुल ब्लून वॉर चल रही है। ये है हमारा भारत। 9000 लोग अपने गांवों से डिस्प्लेस हो गए। एटलीस्ट 54 लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें दो IRS ऑफिसर्स भी शामिल, जिन्हें उनके घर से बाहर निकालकर मारा गया। मैरी कॉम, हमारी चैंपियन बॉक्सर, ने मोदी जी से मदद मांगी है और यहाँ आर्मी डिप्लॉय हो चुकी है। आर्मी को एक्सट्रीम केसेस में शूट एट साइट के ऑर्डर्स। भारत को ऐसे जलता देख हम सबको बुरा लगता है, लेकिन ये समझना इम्पोर्टेंट है कि ये वायलेंस क्यों हो, रीजंस क्या है और अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, और इस वायलेंस की आग को जल्द से जल्द रोकना पूरे भारत के लिए इम्पोर्टेंट क्यों। हम ऐसे ही भारत के इम्पोर्टेंट मुद्दों पर एक आसान भाषा में वीडियोस बनाते। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमारी बहुत हेल्प होगी। चैप्टर 1, मणिपुर में हो क्या रहा है। ये है मणिपुर, नॉर्थ ईस्ट के 7 सिस्टर्स में से एक राज्य, जो अपनी बॉर्डर शेयर करता है म्यांमार के साथ। नॉर्थ ईस्ट का कल्चर काफी डाइवर्स। सिर्फ मणिपुर की बात की जाए तो यहाँ का 53% पॉपुलेशन मीटी पॉपुलेशन। ये 53% लोग ज्यादातर इम्फाल के एरिया में कॉन्सेंट्रेटेड। मणिपुर के हिली एरियाज में नागा, कुकी और अन्य ट्राइब के लोग रहते हैं। नागा और कुकी, इन दो ट्राइब्स को मिलाकर मणिपुर का 40% पॉपुलेशन बनता है। हुआ ये कि मणिपुर हाईकोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट को कहा कि मीटी कम्युनिटी के लोगों को शेड्यूल्ड ट्राइब्स में कंसिडर किया जाए। मीटी कम्युनिटी के लोगों का ये कहना है कि भारत में बांग्लादेश और म्यांमार, इन दोनों देशों से इलीगल इमिग्रेंट्स आते हैं। ये इलीगल इमिग्रेंट्स नॉर्थ ईस्ट में सेटल होते हैं और मीटी कम्युनिटी के लोगों का लैंड छीन लेते हैं और उनके जॉब्स ले जाते हैं। धीरे धीरे होगा ये कि मणिपुर का पूरा डेमोग्राफिक ही चेंज हो जाएगा। आज जो 53% मीटी लोग हैं वो कम हो जाएंगे और अपने ही राज्य में एक माइनॉरिटी बन जाएंगे। तो अगर मीटी लोगों को शेड्यूल ट्राइब का दर्जा मिले तो उन्हें एजुकेशन में, सरकारी नौकरियों में थोड़ा बहुत रिजर्वेशन मिलेगा, जिससे उन्हें अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करने में हेल्प होगी। अब इसके बाद आने वाले सारे डिटेल्स थोड़े बहुत वेग। कुछ लोग कहते हैं कि मीटी कम्युनिटी के लोगों ने पहला अटैक किया, तो कुछ लोग कहते हैं कि कुकी और नागा ट्राइब्स ने पहले अटैक किया। जब तक पुलिस की ऑफिशियल रिपोर्ट्स नहीं आती, तब तक किसी भी स्टेटमेंट पर 100% गारंटी से कमेंट करना पॉसिबल ही नहीं होगा। इसीलिए हम हमारे सारे सोर्सेस यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं। आप आर्टिकल्स खुद पढ़ सकते हैं और अपने कंक्लूजंस खुद बना सकते हैं। बट लेट मी शेयर व्हाट आई अंडरस्टूड। फरवरी के महीने में चुराचंदपुर और दो डिस्ट्रिक्ट्स में सरकार ने फॉरेस्ट एरियाज में इंक्रोचमेंट हटाना स्टार्ट किया। वैसे ही 11 अप्रैल को 3 चर्चेस को इलीगल करार देकर तोड़ा गया। 20 अप्रैल को मणिपुर हाईकोर्ट ने मीटी कम्युनिटी को ST लिस्ट में इंक्लूड किया जाए, ऐसा मणिपुर स्टेट गवर्नमेंट को सजेस्ट किया। इन तीन बातों से कुकी और नागा दोनों ट्राइब के लोग बहुत नाराज थे। 28 अप्रैल को वहां के चीफ मिनिस्टर चुराचंदपुर डिस्ट्रिक्ट में एक ओपन जिम को इनॉग्रेट करने के लिए आने वाले थे। प्रोटेस्टर्स ने इस जिम को एक दिन पहले आग लगा। इसके बाद 5 दिनों के लिए सेक्शन 144 लागू हो गया और लोगों को कहा गया कि प्रोटेस्ट ना करें, बड़े ग्रुप में इकट्ठा ना हो। मणिपुर के 8 डिस्ट्रिक्ट्स में कर्फ्यू इम्पोज हुआ। इस कर्फ्यू के बाद ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन मणिपुर ने ट्राइबल सॉलिडारिटी मार्च ऑर्गेनाइज किया। 60,000 से ज्यादा लोगों ने इस रैली में पार्टिसिपेट किया। चुराचंदपुर में प्रोटेस्ट करने वाले लोगों में एक रूमर फैल गया कि मीटी कम्युनिटी के लोगों ने उनके एक गांव में आग लगा दी, तो उन्होंने गुस्से में आकर आसपास के मीटी सेटलमेंट्स को आग लगाना और जलाना स्टार्ट किया। इसके बाद मीटी और ट्राइबल लोगों में बहुत जगह पर क्लैशेस शुरू हुए। यहाँ सिविलियंस हाथों में AK-47 लेकर सड़कों पर घूम रहे हैं, ऐसे वीडियोस भी वायरल हुए। अब ये वीडियोस कितने सच है और कितने फैब्रिकेटेड, इसके बारे में सच सामने नहीं आया। अगले दिन यानी 4 मई को वायलेंस मणिपुर के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में फैल गई। दुकानें जलने लगी, पुलिस और प्रोटेस्टर्स में क्लैशेस बढ़ने लगे और स्टेट गवर्नमेंट ने आर्मी की मदद मांगी। कई एरियाज में इंटरनेट को सस्पेंड कर दिया गया। सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी। चैप्टर 2, ST स्टेटस क्यों। चलिए अब वायलेंस से आगे बढ़ते हैं, कहानी के दो पहलू समझते हैं। पहले हम ये जानेंगे कि मीटी कम्युनिटी के लोगों को ST स्टेटस से क्या फर्क पड़ता। शेड्यूल ट्राइब डिमांड्स कमिटी ऑफ मणिपुर ने 2012 में कोर्ट से एक डिमांड की थी कि उन्हें एक शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया जाए। मणिपुर भारत का हिस्सा 1949 में बना और तब मीटी लोगों को ST लिस्ट से बाहर रखा गया। अब ये समझना काफी इम्पोर्टेंट है कि किसी भी कम्युनिटी को एक शेड्यूल ट्राइब की लिस्ट में इंक्लूड करने का प्रोसेस क्या है। सपोज अगर आज कोर्ट ने कहा कि इन लोगों को ST लिस्ट में इंक्लूड कर दो, तो क्या कल से उन्हें ST लोगों को मिलने वाले सारे प्रिविलेजेस मिलने लगेंगे? बिल्कुल नहीं। 1999 में एक प्रॉपर प्रोसेस एस्टेब्लिश हुई थी। पहला स्टेप है कि एक स्टेट या यूनियन टेरिटरी ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री को और ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया को एक प्रपोजल भेज दिया। अगर ORGI ने इस इंक्लूजन को अप्रूव किया तो ये प्रपोजल नेशनल कमिटी फॉर शेड्यूल ट्राइब्स तक पहुंचता, और अगर उन्होंने भी ये प्रपोजल अप्रूव किया तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट के थ्रू ST लिस्ट को मॉडिफाई किया जाता। यानी एक कम्युनिटी को एक शेड्यूल ट्राइब बनने के लिए इतने सारे
सारे स्टेप्स से गुजरना पड़ता है। अब मेरा सवाल ये है कि यहाँ पर ये मीटी कम्युनिटी एग्जैक्टली कौन से स्टेज तक पहुँच चुकी थी? दी आंसर इज फर्स्ट स्टेज तक भी नहीं। मणिपुर हाईकोर्ट ने स्टेट को सिर्फ एक डायरेक्शन दी थी, एक सजेशन दी थी कि इन लोगों को कंसिडर किया जाए, और वो भी 2012 में जो पिटिशन सबमिट हुआ था उसके बेसिस पर। यानी सोचिए, अगर इन लोगों को एक्चुअली में एसटी लिस्ट में आना है तो फिर और कितना लंबा सफर है। यहाँ एक लीगल तरीके से किसी भी स्टेज पर जाकर अपोज किया जा सकता था, सुप्रीम कोर्ट में अपील हो सकता था। मेरा ओपिनियन ये है कि इस स्टेज पर रास्तों पर उतरकर प्रोटेस्ट करना इस बात का सलूशन नहीं था। एज पर आवर करंट लॉज, मीटी कम्युनिटी के लोग मणिपुर में हिली एरियाज में लैंड खरीद नहीं सकते, क्योंकि ये लैंड सिर्फ ट्राइब्स के लिए रिजर्व्ड होता है। मीटी लोग कहते हैं कि मणिपुर में कुकी पॉपुलेशन काफी तेजी से बढ़ रहा है, जो नेचुरली होना पॉसिबल ही नहीं है। ये लोग कहीं ना कहीं से आ रहे हैं, और मोस्ट प्रोबेबली पड़ोसी देश म्यांमार से। ये कहते हैं कि ये इलीगली फॉरेस्ट एरियाज में सेटल हो रहा है। इनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि इनकी वजह से हिली एरियाज में पॉपी प्लांटेशन बढ़ता है और मणिपुर में ड्रग्स प्रॉब्लम। चैप्टर 3, ट्राइब्स की डिमांड्स। चलिए अब आर्गुमेंट की दूसरी साइड को समझते हैं कि ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से कुकी और नागा ट्राइब्स को इस मीटी कम्युनिटी को एसटी लिस्ट में आने से रोकना है। नंबर 1, ये ट्राइब्स कहते हैं कि मीटी कम्युनिटी के लोग ऑलरेडी मेजॉरिटी में, कई सारी असेंबली की कॉन्स्टिट्यूएंसी उन्हीं के एरियाज में है जहां पर मीटी लोग मेजॉरिटी में, यानी उनका मानना है कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑलरेडी इनके पास बहुत ज्यादा है। नंबर 2, उन्हें लगता है कि अगर मीटी कम्युनिटी के लोगों को एसटी लिस्ट में इंक्लूड किया गया तो रिजर्वेशंस के थ्रू उन्हें सरकारी नौकरियां मिलेंगी और नागा और कुकी ट्राइब्स के लोगों के लिए कुछ नहीं बचेगा। नंबर 3, मीटी समाज के लोगों को ऑलरेडी ओबीसी स्टेटस मिला हुआ है। उनका कहना है कि आपको एसटी स्टेटस की जरूरत ही क्या। इन दो ट्राइब्स का मानना यह है कि मीटी कम्युनिटी के लोग ऑलरेडी उनके अगेंस्ट काफी डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, उन्हें एज इलीगल इमिग्रेंट्स देखते हैं। कल्चरल और रिलीजियस डिफरेंसेस की वजह से इन दोनों में क्लैशेस होते रहते हैं, और अगर मीटी कम्युनिटी के लोगों को एसटी स्टेटस मिल गया तो वो धीरे धीरे इन हिली रीजन्स में भी डोमिनेंट बनते जाएंगे और वहां से भी कुकी और नागा ट्राइब्स को हटा देंगे। चैप्टर 4, जियोपॉलिटिक्स। अब वैसे तो ये भारत के लिए एक इंटरनल मामला है, लेकिन फिर भी इसे हमें एक जियोपॉलिटिक्स स्टैंडपॉइंट से देखने की सख्त जरूरत। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि नॉर्थ ईस्ट भारत के सबसे रिमोट एरियाज में से एक, यहाँ की बाय रोड कनेक्टिविटी काफी वीक। 1971 में भी पाकिस्तानी आर्मी ने नॉर्थ ईस्ट को भारत से अलग करने का प्लान बनाया था, लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाया। इस एरिया को चिकन नेक कहते हैं, क्योंकि ये एक काफी छोटा सा एरिया है जो नॉर्थ ईस्ट को भारत से जोड़ता है। नॉर्थ ईस्ट बांग्लादेश और म्यांमार, इन दोनों देशों से घिरा हुआ, तो इस एरिया में शांति बनाए रखना भारत के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तानी मीडिया ने इस कॉन्फ्लिक्ट का इस्तेमाल करके ऑलरेडी प्रोपेगेंडा फैलाना शुरू किया है कि मणिपुर भारत से अलग होना चाहता है। सेकेंडली, म्यांमार में एक सिविल वॉर चल रहा है, जिसकी वजह से कई रेफ्यूजीज इलीगल इमिग्रेंट्स के रूप में भारत में घुस रहे हैं। सी, एज ह्यूमंस हम समझ सकते हैं कि वहां के सिटीजंस पर क्या बीत रही होगी, लेकिन इस वजह से हम भारत की बॉर्डर्स बिना किसी प्रोसीजर के सबके लिए नहीं खुल सकते। साथ ही साथ म्यांमार से रोहिंग्या रेफ्यूजीज भी भारत आते रहते हैं, जो भारत के लिए एक सिक्योरिटी थ्रेट हो सकते हैं। रेफ्यूजीज से कैसे डील करना है, ये एक काफी कॉम्प्लिकेटेड इशू है। नॉर्थ ईस्ट के कई स्टेट्स की एक कंप्लेंट जरूर होती है कि भारत कई रेफ्यूजीज को अंदर लेता है और बाद में उनकी प्रॉपर व्यवस्था नहीं करता। 1971 में बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के दौरान ऐसा ही हुआ था। बांग्लादेश से कई सारे रेफ्यूजीज आए और असम और त्रिपुरा में सेटल हो गए, लेकिन वो अलग भाषा बोलते थे, अलग रिलीजन के थे, तो धीरे धीरे वहाँ की डेमोग्राफिक ही चेंज होती गई। वहाँ के लोकल लोग ही धीरे धीरे एक माइनॉरिटी बनते गए। इस वजह से मीटी कम्युनिटी के लोग NRC यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजंस की डिमांड कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, इस रेफ्यूजी क्राइसिस से भारत को कैसे डील करना चाहिए, हमें कमेंट्स में बताइए। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर ये सारे वीडियो सच हैं, तो बॉर्डरिंग एरियाज में इन लोगों के पास AK-47 जैसे वेपन्स आ कैसे रहे? क्या म्यांमार से वेपन्स की स्मगलिंग हो रही है, या फिर नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी फिर से उभर रही है? इन पॉसिबिलिटीज पर हमें सख्त नजर रखने की जरूरत है। इन दी एंड, ऑल आई वांट टू से इज, हमें जनरल बिपिन रावत ने 2.5 फ्रंट वॉर के बारे में चेतावनी दी थी, जहां हमें सिर्फ चाइना और पाकिस्तान से ही नहीं, भारत के अंदर से भी खतरा है। हमें ये अश्योर करना ही होगा कि हमारे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स एक वायलेंट रूप ना लें। इट इज इम्पोर्टेंट कि हम दूसरे समाज से हमारे जो भी डिफरेंसेस हैं वो साइड में रखें और एक दूसरे को प्रोटेक्ट करें। एक एरिया में स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए सेंसिटिव इश्यूज को सेंसिबली हैंडल करने की जरूरत है। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली, कुछ नया सीखने मिला, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि ये देश हमारा है। इसका मतलब ये है कि इस देश के सारे प्रॉब्लम्स हमारे हैं और उन्हें सुलझाने की जिम्मेदारी भी हमारी ही, और इसकी शुरुआत एक प्रॉब्लम के जड़ तक पहुंचने से ही हो, और यही इंपॉर्टेंट बात, आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता। हे दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वो लाइक बटन प्रेस करना ना भूलिए। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारी पाकिस्तान एक्सप्लेन्ड सीरीज देखने के लिए यहाँ पर क्लिक कीजिए। भारत की इकोनॉमी कैसे फंक्शन करती है इसके बारे में जानने के लिए यहाँ पर क्लिक कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, क्योंकि आपके सपोर्ट से हमें फर्क पड़ता है।